सुल्तानपुर में हुई हिंसा में फॉरेंसिक टीम की पड़ताल के बीच गिरफ्तार हुए आरोपियों से हुई पूछताछ के हिसाब से पुलिस अपनी रणनीति बना रही है। हिंसा भड़काने का मुख्य आरोपी भले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया हो, लेकिन नफरत का कारोबार करने वाले इन सौदागरों ने जो कांड किया उसका नतीजा भोली भाली मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कानपुर हिंसा के बाद 10 जून को मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा घोषित बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले बरेली जिला प्रशासन से एहतियातन धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक कर्फ्यू अवधि के दौरान सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर भी रोक नहीं रहेगी शुक्रवार को कानपुर में भड़की हिंसा के बाद वहां जैसी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन से एक कदम उठाया गया। कानपुर में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने को लेकर दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई तो कुछ लोगों ने बम भी चलाए। हालात बिगड़े तो यतीम खाना और परेड चौराहे के बीच स्थित पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जाफर हाशमी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद अपनी जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।